संदेश मिला है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे ईशान धर्म ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं सब लोग ठीक ठाक हैं। तो हम लोग आज करम परब मनाने के बाद में अब इधर आ गए हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिल रहे हैं आप सबों से। तो अभी हम लोग खाना सब नाश्ता सब करके और अभी आ गए हैं बीच साइड में घूमने के लिए। क्या प्रभात? कोलवा बीच में आ गए हैं। तो बहुत दिन के बाद में, बरसात के बाद में, और आया नहीं मैं, बीच में आया था, बीच में आया था। तो चलिए अभी चलते हैं बीच साइड में और इधर का कुछ नज़ारा आप सबों को भी शेयर करते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मज़ा लेते हैं बीच साइड का भी। आज संडे है तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और एक भीड़ से तो हम लोग निकल के आ गए हैं और दूसरा भीड़ में घुस गए, एंट्री कर लिए है। और देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी सुहाना मौसम लग रहा है, वैसे ज़्यादा धूप भी नहीं। तो शाम के वक्त आए हैं, वैसे साढ़े चार 4:45 बज रहे हैं शायद। तो अभी इतना टाइम में आए हैं तो उतना ज़्यादा धूप नहीं लग रहा है क्या? ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए, और इधर से भी पानी उतर रहा है, देख सकते हैं। वैसे नहाएंगे तो नहीं, बस इंजॉय करने के लिए इसी आए हुए हैं हम लोग। पानी अभी भी भरा हुआ है और यहाँ पे इतना दूर तक पानी आ रहा है। तो सीप आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे, कैसे सीप का जो छोटा छोटा टुकड़ा रहता है ना, ये पाँव में भी लग सकता है, खाली पाँव रहेंगे तो। ये देख लीजिए इधर तक देख सकते हैं, ये देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन वो वीडियो में भी और ऐसे देखने में, साक्षात में तो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देख लीजिए उधर, ज़्यादा अंदर तक जाने को नहीं मिलता है, और इधर जो गार्ड है ना वो रोकते हैं अंदर जाने से, बार बार सिटी की आवाज़ मार रहे हैं, फिर भी इंजॉय करने वाले तो अंदर ही जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस आप लोग देख सकते हैं पिछला वीडियो में इधर जो रेस्टोरेंट सब देखे थे आप लोग, तो वो सब अभी नहीं है, हटा दिए हैं। फिर उधर लग रहा है शायद, लगता है ना, तो वो साइड में देख सकते हैं वो तैयारी किया जा रहा है। अभी वैसे बारिश कम है तो अभी धीरे धीरे अभी लगाएंगे यहाँ पे भी। और यहाँ यही जगह में पूरा रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे अभी नहीं है फिलहाल। तो चलते हैं अभी इधर ये साइड में और इधर अभी क्या है ना गाइस, अभी जो बारिश का मौसम है ना, इसलिए ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने देते हैं, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट लोग भी नहीं है। यहाँ पे जो है वो सारे लोकल वाले ही हैं, और टूरिस्ट लोग तो मतलब बाहर के जो फॉरेनर लोग आते हैं वो लोग तो एक भी नहीं दिखा ना, नहीं एक भी नहीं दिखा फॉरेनर लोग। तो अभी अक्टूबर के बाद में ही वो लोग आएंगे। और आप लोग भी अगर बाहर से अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी अगर घूमने के लिए आते हैं तो अक्टूबर के बाद में ही आइएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो ज़्यादा अंदर तक, वैसे घूमने में तो मज़ा आएगा, लेकिन तो उतने ज़्यादा अंदर तक बीच साइड में जाने के लिए नहीं मिलता है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग फोटो सब शूट कर लिए हैं, और आप लोग इंस्टाग्राम में जाइएगा, फॉलो कर दीजिएगा इंस्टाग्राम में भी। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस सब लोग, अभी इवनिंग का वक्त है तो इवनिंग में ज़्यादा इंजॉय करने के लिए लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और अभी शाम के वक्त ज़्यादा भीड़ होता है। तो वही साइड में तो दोस्तों घूम के बहुत ही अच्छा लगा, और अभी हम लोग जाते हैं रूम की तरफ, और अभी शाम भी हो रही है तो ज़्यादा देर तक इधर रुकेंगे नहीं। और हम लोग की गाड़ी यहाँ पे है। और इधर प्रभात स्कूटर निकाल रहा है, और ये स्कूटर ना पता ही नहीं चलता है कि स्टार्ट है कि नहीं है, जो चलाने वाला है ना उसको ही पता चलता है, नहीं तो एक भी आवाज़ नहीं करता है, एकदम मस्त इंजॉय। सो गाइस हम लोग अभी रवाना हो गए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग एरिया है, और कितना ज़्यादा गाड़ी पार्किंग में लगा हुआ है। तो संडे के वक्त क्या होता है ना, ज़्यादातर लोगों की ड्यूटी सभी छुट्टी रहती है, तो सब लोग आ जाते हैं इंजॉय करने के लिए अपने फैमिली के साथ में। और जितने काम करने वाले लोग भी हैं, हमारे इंडिया के ही लोग काम करने के लिए आए हुए हैं,
यहाँ पे गोवा में, तो वो लोग का भी संडे को छुट्टी रहता है, तो वो लोग भी आ जाते हैं अपना टाइम थोड़ा शांत इलाका मतलब बीच साइड का इलाका में गुजारा करने के लिए। तो बहुत ही इंजॉयफुल लगता है संडे के वक्त बीच साइड में कुछ इंजॉय, समुद्र की लहर और इतने सारे लोगों के बीच में बस इंजॉय करना, बहुत ही मज़ा लगता है। सो गाइस आगे में देख रहे हैं वहाँ पे पुलिस है, तो पता नहीं पकड़ेगी क्या करेगी, समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पे पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस, तो हम लोग तो ना हेलमेट पहने हैं ना कुछ भी नहीं, लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन हम लोग को पकड़ा नहीं, कहे कि हम लोग का इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसलिए पकड़ा नहीं, और वही बोल रहे कि हाँ ये इसका गाड़ी में घूम लेगा क्या बर्बाद। तो हम लोग भी एकदम मुस्कुरा के निकल लिए वहाँ से। सो गाइस हम लोग का चाय नाश्ता सब तो हो गया है और प्रभात आ रहे हैं पीछे से, तो अभी निकलते हैं रूम के लिए, वो भी अपना काम के लिए निकल जाएगा और मैं भी रूम चला जाऊंगा। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच के बस ड्रेस सब चेंज कर लिया हूं और प्रभात अभी जा रहा है, तो चलिए इसको भी विदा सब देते हैं। चल ठीक है, मैं भी निकलता हूं। निकल और कभी मिलेंगे और संडे को भी मिलेंगे, तो छुट्टी रहता है ना संडे को, संडे को छुट्टी रहता है। हाँ तो कभी मिलेंगे और कहीं और दूसरे जगह में घूमने के लिए जाएंगे। हाँ। तो चलिए अभी चलते हैं, विदा देते हैं इसको। अच्छा ठीक है, तो ऐसा अभी आके थोड़ा थकावट सा लग रहा था, तो मैं नहा धोवा के हो गया हूँ फ्रेश, और बस मेरी प्यारी सी वाइफ इसे भी मिल लीजिए। गुड इवनिंग, और कैसी है? बुढ़ी जैसे बैठी है। और क्या सब्जी सब बना दी तब आज? क्या बोलते हैं कल लीजिए आप फिर लीवर गीचर। अच्छा लीवर गीचर बनाई है आज, जो आज कुछ स्पेशल नहीं है, वही स्पेशल है आज हम लोग के लिए ना रे। सो गाइस ये देखिए हम लोग का सब्जी बन रहा है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हैं, और ये देखिए वैसे टमाटर पका नहीं, और थोड़ा देर ज़्यादा देर तक पकाना ही नहीं पड़ेगा, और इसे आग में ही तपा भी रहे हैं, हल्की हल्की ठंडा चालू हो गया ना, हल्का हल्का ठंडा भी चालू हो गया इधर, बारिश हल्की हल्की बारिश हुई थी इसीलिए, और ये देख सकते हैं कितना टेस्टी बन रहा है हम लोग का चखना, और इधर आग भी जल रहा है वैसे, और इधर थोड़ा सा है लकड़ी, तो और भी लेके आएंगे सोचा था, लेकिन तो लाने को नहीं मिला, अभी फिर से लेके आना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का गैस भी अचानक से ख़त्म हो जाएगा, अभी यही चल जाएगा ना दिसंबर तक चलाएंगे इसी को। सो गाइस फाइनली मेरा खाना आ गया है और मैं बैठ गया हूँ खाना खाने के लिए, और मेरी प्यारी सी वाइफ ये भी आ रही है खाने के लिए, और ये देखिए हम लोग दोनों जन अभी बैठ के खाना निकाल लिए हैं और खा रहे हैं, और ज़्यादा नहीं निकाली है, थोड़ा सा निकाली है, ज़्यादा खाना ही नहीं खाती है, जिसको बोलते हैं ज़्यादा ज़्यादा खाना खाओ थोड़ा मोटा हो बोलते हैं, लेकिन खाना ही नहीं खाती है। सो ये देखिए मैं यहाँ पे पीकल ले लिया हूँ, और ये बट कलेजी, और ये मिर्ची साथ में, और वाइफ तो बस ऐसे ही खा रही है, तो चलिए खाते हैं गैस एकदम चिवचिवाता हुआ खाना। सो गाइस हम लोग का खाना भी सब खा लिए हैं, लेकिन सरिता के लिए एक प्यारा सा संदेश मिला है। हाँ तो वो लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले थे, तो सब्सक्राइबर लोग पूछ रहे थे कि सरिता क्यों नहीं आई करम बोल के, तो क्यों नहीं गई बता दो आप, हमको लेके भी नहीं गए।
अरे इसको बोल रहे थे कि चलो करम बोल के, तो मोडी में क्या हुआ वो जाएंगे एक बार बोली जाएंगे, उसके बाद में बोल के नहीं तुम अकेले जाओ मैं नहीं जाऊंगी ऐसा बोली। तो मैं क्या किया प्रभात, अच्छा उसी टाइम पे फ़ोन किया प्रभात भी, तो प्रभात बोल रहे हैं अकेला हो रहा हूँ तो साथ में जाएंगे, तो इसलिए साथ में चले गए हम लोग। तो इसलिए फिर वहाँ पे जाके फिर रिसर्च सब हुआ, उसके बाद में ये सत्ता तो चली गई थी वास्को उसके भाभी के साथ में घूमने के लिए, तो इसीलिए तो हम लोग तो खूब इंजॉय किए और खूब मस्ती किए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर लोग से भी मिल के और हाँ बहुत इंजॉय भी किए। तो सरिता जय यीशु, मेरी दीदी बोली है कि मेरी दीदी एक तो हम लोग का सिमडेगा में है ना, हाँ। और एक मेरी दीदी मिली थी तो वो बोली थी कि जय यीशु बोल देना सरिता को बोल के, और बहुत मिस कर रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे कि सरिता क्यों नहीं आया, सरिता क्यों नहीं आया, ऐसे बोल रहे थे, तो बहुत मिस कर रहे थे। तो आप सबों को भी दिल से थैंक यू, और सरिता कुछ बोलना चाहेगी दीदी को? हमारे ऑडियंस जितने भी देख रहे हैं हम लोग का वीडियो, सबों को प्यार भरा जय यीशु। जय यीशु। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए अपने फैमिली के साथ में। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू।